प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आत्मदेव ओम ओम, परमात्मा ओम ओम, शिव ओम 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 ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम 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 ओम, आनंद देवा ओम 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 ओम। ये लगता तो बिल्कुल साधारण प्रयोग है, लेकिन इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक खजाना खुलने की सुव्यवस्था है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं। दुनिया की कोई औषधि, कोई टूना टोटका उन सभी को एक साथ सात्विक पवित्र कर दे और इस ब्रह्मांड से पार वाली परम सत्ता से जोड़ दे, ऐसी त्रिभुवन में कोई चीज नहीं है। है तो केवल यही है ओमकार, और सारे शब्द आहत से पैदा होते हैं, टकराव से। ये ओमकार अनाहद है। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, अनहद सुनो वड भागियां सकल मनोरथ पूरे। अनहद नाद को सुनो, सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ये अनहद नाद क्या है और कैसे सुने और इसकी पराकाष्ठा का पूरा वर्णन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक आशाराम बापू है, लेकिन हजार आशाराम बापू और हजार हजार जीव हो, फिर भी उस अनंत की शक्ति और सामर्थ्य का पूरा वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का। जिसको जितना आता है गाये चला जाता है, अपना और औरों का मंगल किए जाता है। भगवान की जो स्वाभाविक स्पंदन है, जैसे बर्फ का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव रसमय, ऐसे ही परमात्मा का जो स्वाभाविक ध्वनि वह ओमकार है। और ये ओमकार भगवान विष्णु ने नहीं बनाया, भगवान ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, भगवान शिव ने नहीं बनाया, भगवान विष्णु ने खोज की है। इसलिए इस मंत्र के ऋषि भगवान नारायण कहे जाते हैं। ऋषि तू मंत्र दृष्टार न करतार, मंत्र के रहस्यों का दृष्टा है, करता नहीं है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी। निर्माण उसका होता जो पहले नहीं था, और खोज उसी की होगी जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले जो ओमकार ध्वनि का महत्व था, ओमकार तत्व था, इसीलिए कई मंत्रों में इसको पहले रखा जाता है। शिव को रिझाना है तो ओम नमः शिवाय, गणपति को रिझाना है तो ओम गम गणपते, गायत्री को रिझाना है तो ओम भूर भुवस्व। कई जगह पर बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर इस बात की चिंता नहीं करते कि काला है कि गोरा है, पतला है कि मोटा है, ठिंगना है कि लंबा है, रोता है कि नहीं रोता है। नहीं रोता है तो चुकोली चुंडी लगाते, उसको रुलाते, ताकि उसकी ओमकार चेतना सारे अंगों में फैले, नहीं तो कोई अंग विकलांग न रह जाए। ये बड़ा रहस्यमय जप है। इसका जप करने वाला व्यक्ति और इसके रहस्य समझने वाला व्यक्ति, और इस रहस्य को समझ के दूसरों की जैसी जैसी अवस्था है ऐसी ऐसी साधना कराने वाला व्यक्ति धरती पे कहीं कहीं कभी कभी मिलता है। आप बैठो। धन्यवाद। नारायण हरि, हरि ओम हरि। मंत्र में
चार बातें होती हैं। एक तो जो मंत्र आप जपते हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता। दूसरा, मंत्र का देवता कौन है ये आपको पता चलना चाहिए। तीसरा, मंत्र का ऋषि कौन है ये जानकारी होनी चाहिए। और चौथा, मंत्र का क्लिक कौन है, मास्टर की कौन सी है मंत्र की शक्तियां जगाने की। तो मंत्र का अर्थ, तो इस ओमकार मंत्र के अर्थ का जितना भी विस्तार करें कम है। मैंने कल बताया था, जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, अब नए ग्राहकों फिर से बताता हूं। धनशंकर सूरदास विद्वान पंडित काशी में लकड़ी टेकते भगवान दास के क्लिनिक अस्पताल पे खड़े हो गए। भगवान दास, डॉक्टर हैं कोई? बोले हाँ, मेरा नाम है बाबा, बोलो। बोले मुझे सूरदास को भोजन करा सकते हो क्या? बोले एक मिनट बाबा, मैं पूछ के आता हूँ। पीछे घर था, पत्नी ने कहा अभी मैं नहा धोकर रसोई घर में जा रही हूँ, एक घंटा लगेगा। बाबा जी एक घंटे के बाद आप आना, भरपेट प्रसाद यहाँ पाना। धनराज पंडित ने कहा एक घंटा में लकड़ी टेकते कहाँ जाऊँगा और कहाँ आऊँगा, क्या तुम्हारी क्लिनिक पर तुम्हारी अस्पताल पर कोई जगह है, थोड़ी देर में बैठ जाऊँ? हाँ, बोले हाँ बाबा बैठो बैठो। उसने अपने मरीजों से जो कुछ लेना देना था किया। भगवान दास ने पूछ ही लिया कि बाबा आप तो संत आदमी हैं, ओमकार मंत्र सभी मंत्रों में आता है और बोलते हैं बच्चा पैदा होता है तो उवा ओमकार से मिलती ध्वनि आती है, और सारे हकीम डॉक्टर थक जाते, लाइलाज बना देते वृद्ध को, तभी भी वो चदरिया तानता है तो चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म जाति मजहब का हो, किसी भी मान्यता का हो, लेकिन आखिरी में उसे विश्रांति मिलती है। कुछ एहसास होता है, सारी मुसीबतें शरीर के सहने पर भी। तो ये ओमकार मंत्र का ही। बोले हाँ हाँ तुम ठीक कहते हो, तो बाबा आप इसके विषय में कुछ बताओगे? बाबा ने श्लोक चालू कर दिए, डॉक्टर धन दंग रह गया। बाबा कल भी इधर आना और ओमकार मंत्र की व्याख्या आपका। हाँ बोले आएंगे। बाबा आते गए, डॉक्टर भगवान दास अभिभूत होते गए। आखिर डॉक्टर ने इजाजत ले ली कि पंडित अंबा प्रसाद शास्त्री जी को मैं बुलाऊं, बड़े भारी विद्वान है, आप जो बोलते हैं उतना रहस्य मैं नहीं पकड़ पाता हूं, वो लिखते जाएंगे, आपकी इजाजत हो। बोले बुलाओ। धनराज पंडित बोलते गए ओमकार की महिमा, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, 2500 दिन, ऐसे करते करते 22,000 श्लोक बोल गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, जैसे ईसाइयत है ना, ऐसी दूसरी व्यापक दृष्टि वाली अंग्रेजों की एक संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहां पर मैं प्रवचन भी करके आया हूँ। उन्होंने इस ओमकार मंत्र की चार बड़े बड़े ग्रंथ 22,000 श्लोकों के प्रतियां अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने यहाँ रखी। तो आप सूरदास हैं और ये सब किस आधार पर आप बोलते हैं? बोले गार्गायन संहिता में आया था। तो संहिता कहाँ है? बोले गार्गायन ऋषि का शरीर नहीं है और बहुत पुराने का समय में, वो अभी नहीं है। इस ओमकार मंत्र को 120 माला रोज जपे और दुष्ट कर्म छोड़ दे तो एक साल में ईश्वर जैसा ईश्वर चाहिए वो मिलेगा। कृष्ण चाहिए, राम चाहिए, शिव चाहिए, अथवा तात्विक रूप से जो मूल ईश्वर है उसका भी साक्षात्कार हो सकता है। इस ओमकार मंत्र की 120 मालाएं करें 7 सप्ताह और दूध का
खीर बना के सूर्य को भोग लगाए, सूर्य नारायण का ध्यान करे जरा, तो सात जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी और सात जन्म तक कुटुंब खानदान में कंगालियत नहीं आएगी। ये 22,000 श्लोक में से ये तो एक दो श्लोक की बात हुई। अभी अभी सुप्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर जे मार्गन ने घोषणा कर दी कि इंडियन ओमकार मंत्रो इज वेरी पावरफुल है। उसने तीन जगह पर अपनी ओमकार थेरापी अस्पताल खोली, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि आदि में, कैलिफोर्निया। उसने दावा किया कि मैंने हजारों रोगियों को बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना कैप्सूल, बिना कुछ इलाज किए, खाली ओमकार के जप की अलग अलग व्यवस्था से, एक प्रकार का जप करेंगे तो उब जाएंगे और अलग अलग जप से अलग अलग उसका असर भी होता है। मैंने हजारों पेशेंटों को ठीक किया। मैं जे मार्गन की रिसर्च से सहमत हूं, उनकी सच्चाई है, लेकिन एक श्लोक की बात ही तो कही, पेट जिगर और सिर के रोग मिटाए ऐसा ओमकार प्रभाव दिखाए आदि कल्पना करके लिख सकते हैं एक श्लोक में। 22,000 श्लोक है। हर सो ओमकार जब करते हो तो आपकी पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। इधर देखना, हाँ, बहुत ऊंचा सत्संग है, इधर उधर झांकना नहीं। गुरुजी ने सत्संग किया और इतना ऊंची बात कही तो मेरा ध्यान लग गया, क्या करता है, ऐसी डांट चढ़ाई, ऐसी क्लास ले ली कि उस घड़ी को मैं हजार बार प्रणाम करूं। उसके बाद मैंने सत्संग को सुनने में कहीं भी बंदर छाप मन नहीं होने दिया, मंकी ब्रांड माइंड नहीं रखा। एक टक वक्ता को देखता है, वही वक्ता की कृपा को और ज्ञान को पचा पाता है, पी पाता है। नारायण हरि, हरि ओम हरि। आप मेरे साथ जप करोगे, हरि ओम 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 ओम, इसको हर्षव उच्चारण कहते हैं। ये पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा करता है। हरि ही ओम करो ना, गूंगे बेरे नहीं हो। ओम ओम ओम, ये कार्य साफल्य एनर्जी ऊर्जा पैदा करेगा। लंबा श्वास लो। दोनों नथुनों से श्वास भरना है, भरो 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 और भरो। वीओ फिर से गहरा श्वास, फिर से गहरा श्वास, बंद नहीं करना है। भगवान को, गुरु को, अथवा ओमकार को, या आकाश को, या किसी प्यारे पेड़ पौधे को देखते हुए 15 मिनट का आप रोज अभ्यास करो, थोड़े दिनों में इस महामंत्र की महानता आपके
मैं पूरा विस्तार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भैरवा जाना है। हेडलाइन हेडलाइन जैसे अखबारों की होती ना, ऐसा मैं सुनाऊंगा आपको। आपके जीवन में जो भी नीरसता है, जो कमियां हैं, अथवा बेवकूफी से जहां आप फिसलते जाते हो और पछताते हो फिर फिसलते हो, मानो सिगरेट पीते बेकार है लेकिन 10 मिनट अथवा 50 मिनट के बाद फिर पीते, पति पत्नी का संभोग व्यवहार किया बोले कोई सार नहीं, ऊर्जा का ह्रास होता है, बेकार है लेकिन फिर गिगड़ गिगड़। तो नीरस जीवन रस पाने के लिए विकारों में गिरते गिरते आखिर बोलता है कि अपने नहीं छोड़ सकते दारू, अपने ये बुराई नहीं छोड़ सकते। आदमी अपने को कोसता है। जो लोग अपने को कोसते हैं वो अपने आप के दुश्मन होते हैं, लेकिन जो अपने को दूसरों से विशेष मानते हैं वे भी रावण की कतार में घसीटे जाते हैं। मैं जनरल हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे एक शिष्य ब्रिगेडियर लेकिन बड़ा नम्र है, 19,000 आदमी काम करते फौजी उसके हाथ, अभी रिटायर हुआ, मेरा आश्रम संभालता है हैदराबाद का। तो अपने में दुनवी विशेषता लाकर अहंकार करना, ये भी आप अपने लिए बंधन बनाते हो। और अपने में कोई दोष है उसको याद करके आप कोसते हो, तब भी आप अपने पैर पर कुहाड़ा मारते हो। वास्तविक में ये गुण और दोष, अच्छाइयां और बुराइयां तुम में थी नहीं, आए नहीं, रह सकती नहीं, ये तुम्हारे मन में है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारी बुद्धि में है, तुम में नहीं है। लेकिन इसकी अनुभूति कैसे हो? बोले इस सतगुरु का ज्ञान और परमात्मा की उपासना। ये परतें हट जाते ही आप 33 करोड़ देवताओं से भी जो सम्मानित होते वो इंद्र भी आपके आगे घुटना टेकेंगे, इतने आप दिव्यात्मा महानात्मा हो जाते हो। ध्यान से सुन रहे हो इसलिए मैं तुमको सार बात बता रहा हूं। प्रमोशन हो गया, ये हो गया, मैं जेलर बन गया, मैं फलाना हो गया, मैं मिनिस्टर हो गया, मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया, हद हो गई। लेकिन सारी धरतियों का प्रधानमंत्री कोई एक अकेला बन जाए और हर 5 साल में भीख न मांगनी पड़े वोटिंग की, सदा के लिए सारी धरती का राज्य मिल जाए, पत्नी सुंदर हो, सदाचारिणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो और शरीर कभी बीमार न पड़े, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। यहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका नहीं जा सकता उनकी सम्मति के बिना, और वहां का इधर नहीं फटक सकता यहां वालों की आज्ञा के बिना, क्या ख्याल है? तो पूरी स्वतंत्रता नहीं हुई धरती पर, पूरी धरती पर एक छत्र सम्राट हो और शरीर में कोई बीमारी ना हो, मंत्री कोई दगाबाज ना हो, हर 5 साल में वोटिंग की भीख न मांगनी पड़ती हो, ये मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। मान गए आप? इससे कुछ हिलोगे डुलोगे तो मैं समझूंगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। मानुषी सुख की पराकाष्ठा है, इससे सौ गुना सुख देव गंधर्वों को मिलता है। वो देव गंधर्व मेरे मित्र संत लालजी महाराज ने 5 देखे थे, आए बातचीत की और अदृश्य हुए। 4.5 तो उस मिट्टी की बड़ी मिट्टी की चट्टान में अदृश्य हो गए, आधा पैर, एक पैर इधर एक पैर अंदर। बोले डरना नहीं, हम गंधर्व हैं, रात को 2 बजे तुम जब कर रहे हो तो परीक्षा लेने को आ गए थे। उनमें इस लोक परलोक में जाने की, रूप बदलने की और संकल्प से लोक लोकांतर के सुख भोग भोगने की शक्ति होती है जो धरती के राजा के पास नहीं है। 100 गुना सुख गंधर्वों को होता है, उससे भी 100 गुना सुख पितृलोक के पितरों को होता है। आपका 1 साल बीतता है तब उनका 1 दिन होता है, इसलिए साल में 1 बार आप पितरों को तर्पण भोजन कराते तो उनकी तृप्ति मानी जाती। उससे 100 गुना आजानज देवताओं को होता है। देवता 2 प्रकार के होते हैं, आजानज देवता, जब से सृष्टि हुई
ये कल्प हुआ तब से देवता, दूसरे होते कर्मज देवता। तुमने यज्ञ किया, जप किया, सात्विक रहे, बुराई से बचे, इसलिए तो माफी मांगी, मरने के बाद तुम देवता हो गए, उसको बोलते कर्मज देवता। कर्म के बल से देवता हुआ और सृष्टि आरंभ से देवता हुआ। तो अजानज देवता और कर्मज देवता, उनसे भी सौ गुना ज्यादा सुख का सामर्थ्य प्रभाव सत्ता इंद्रदेव के पास है। ऐसा इंद्रदेव ब्रह्मवेता महापुरुषों को, जिसने ओमकार का रहस्य जानकर आत्म साक्षात्कार किया, इंद्र उनको घुटने टेकता है कि मुझे जब आनंद मस्ती सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मिलाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन ये संत महापुरुष ओमकार का जप करते हुए जरा सा दृष्टि डालते हैं, लोग बैठे रह जाते हैं। उन्हें लौकिक सुख नहीं, लौकिक असुविधाओं में भी चिन्मय सुख की प्राप्ति होती है। हजारों लाखों आदमियों को उनकी वाणी और उनकी निगाहें मजबूती से आध्यात्मिक यात्रा करा देती है। तो मेरे से भी ऐसे आत्मवेता महापुरुष है। यत पदम प्रेतसवो दीना, जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि अपने को देव दीन मानते हैं, उस पद को पाकर उस आत्मवेता महापुरुष को अभिमान नहीं होता। नहीं तो कोई पीएम हो जाए तो उसकी चाल में कुछ फर्क हो जाता है, कोई सीएम हो जाए, कई सीएम मेरे पास आते जाते हैं। मैं कहा तुम तो इधर आए, बोले बाबा मैं सीएम की हैसियत से नहीं आया हूँ, दो डजन बार पहले भी आ गया हूँ, आपका तो मैं सेवक हूँ, ये हूँ वो हूँ। बड़े कदावर हैं, लंबे चौड़े हैं, समझ गए। नारायण हरि। तो कई सीएम पीएम मेरे पास आए, चंद्रशेखर जी भी आए, फलाने आए फलाने आए, लेकिन इन सब से कई गुना सुख गंधर्वों को इनको करते करते इंद्र को है। लेकिन इंद्र का सुख भी आत्म साक्षात्कार के आगे बोना है, नन्ना है। तुलसीदास ने उसका बयान किया, तीन टूक कोपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूं। उपनिषद ने कहा, पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत इंद्रोमपि रंकवत भाषित अन्यस्य का वार्ता। इंद्र भी कंगला लगता है आत्म साक्षात्कारी पुरुष को, तो दूसरे की वार्ता क्या। ऐसा वैभव आप एक साल के अंदर पा सकते, ये ओमकार उपासना का चमत्कार है।